हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। महिलाओं को अगर सबसे ज़्यादा चिंता होती है नौवें महीने में तो ये होती है कि बच्चेदानी का मुँह कैसे खोलें, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, उसके भी कारण होते हैं। लेकिन अगर बच्चेदानी का मुँह समय पर खुल जाए, प्रसव पीड़ा आ जाए, बेबी की ड्रॉपिंग समय पर हो जाए, तो नॉर्मल डिलीवरी होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब बच्चेदानी का मुँह कैसे खोलें समय पर, ये सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल होता है महिलाओं के लिए। क्या करें जिससे कि बच्चेदानी का मुँह खुले। आप ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें। अगर प्रेगनेंसी है तो ये कोई बीमारी तो नहीं है कि सिर्फ आप रेस्ट करते रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी तो ऐसा फेज़ होता है जिसमें महिलाएं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करती हैं, और ये एक मेमोरेबल टाइम होता है जो कि आप पूरे उम्र के लिए अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाती हैं, अपने आगे के जनरेशन को भी ये कहानियाँ सुनाया करती हैं। तो एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बच्चेदानी का मुँह खोलने के लिए एक जगह तो आप बैठे रह नहीं सकती हैं, तो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ करते रहें। इससे आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी के रास्ते भी बनते रहें और बच्चेदानी का भी मुँह खुलते रहे और एक मेमोरी भी बनती रहे। तो देखिए, बच्चेदानी का मुँह खुलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, प्रसव पीड़ा समय पर आएगा, बेबी की ड्रॉपिंग समय पर होगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, वॉक जो है, टहलना जो है, वो कंटिन्यू रखना है। या तो आप घर में टहलें, गार्डन में टहलें, पार्क में टहलें, कहीं भी टहलें, लेकिन सुबह और शाम नौवें महीने में वॉक ज़रूर करें। लंबे कदम लेके मैं नहीं कह रही हूँ या फिर दौड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, छोटे छोटे कदम पर टहल सकती हैं, लेकिन 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को। जब वॉक आप करते रहते हो तो क्या होता है कि वहाँ के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते रहते हैं। इससे बेबी जो है नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि पैरों, पीठ और कमर के मसल्स को हमेशा एक्टिविटी में बिजी रखो। जिनकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, जिनको डॉक्टर ने रेस्ट लेने को नहीं बोला है और जो नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, इसलिए वॉक करना। दूसरा जो चीज़ है, बटरफ्लाई योगा। इससे भी आपके जो मसल्स हैं कमर के हिस्से के, लोअर हिस्सों के मसल्स में रिलैक्स आएगा, लचीलापन आएगा, और इससे बेबी की ड्रॉपिंग होगी, बेबी नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देगा। तो इसलिए बटरफ्लाई योगा करें, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप खाने पीने में भी यूज़ कर सकती हैं, जिससे कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम ना हो, बेबी की ड्रॉपिंग नीचे की तरफ हो, बच्चेदानी का मुँह खुले। आप तिल के लड्डू खा सकती हैं, अजवाइन के थोड़े बहुत लड्डू खा सकती हैं। अजवाइन को एक काम करें, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें, बिना किसी तेल नमक डाले हुए उसको रोस्ट करना है। उसके बाद उसके पाउडर को बना लीजिए, सबसे अच्छा काम मैं बता रही हूँ। और उस पाउडर को आधा चम्मच अगर आप खाते हो सुबह में गुनगुने पानी के साथ, इससे क्या होगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज की प्रॉब्लम तो दूर होगी, साथ ही ये बच्चेदानी का मुँह खोलने में भी सहायक होगा। कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी तो बेबी की ड्रॉपिंग नीचे की तरफ होगी, इसलिए अजवाइन के ये पाउडर भी आप ले सकती हैं। दूध और घी भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चेदानी का मुँह खोलने में और बेबी की ड्रॉपिंग करने में। एक गिलास दूध में आधा चम्मच शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वो मिला के, और आप या तो रात को पिए या सुबह को पिए, पी सकते हैं, किसी एक टाइम आपको पीना है, नौवां महीना शुरू होते या फिर 9 महीना के बीच से भी आप चालू कर सकती हैं। खजूर खा सकती हैं, खजूर भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। खजूर से भी जो है एक बच्चेदानी का मुँह खुलने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रेगनेंसी में फॉलो करती आई हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। ये मैंने 9 महीना शुरू होते ही 5 दिन बाद से है ये सारा कुछ चालू कर दिया था। और वॉकिंग मैं रोज़ करती थी, रोज़ एक्सरसाइजेज, योगा करती थी। ज़्यादा जर्क ना दे अपने शरीर को, बॉडी को, लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में ये खाते रहें और थोड़े थोड़े मात्रा में ये करते भी रहें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।